ताल तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत लसूड़िया सूरजमल के अंतर्गत आने वाले शमशान घाट के रास्ते पर हुए कब्जे की खबर को एमपी न्यूज ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद अब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या को जाना है। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी न्यूज की ओर से इस खबर को प्रमुखता से उठाने के बाद मानव प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया हो, जहां आनन फानन में खुद तहसीलदार ग्राम निम्बा खेड़ी पहुंची और ग्रामीणों से चर्चा कर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के नजदीक ही शमशान घाट बनाने का निवेदन तहसीलदार से किया है। ग्राम निम्बा खेड़ी में जो शासकीय शमशान जहाँ पर बना हुआ है, मैंने ग्राम की आबादी से लेकर के शमशान तक के रास्ते पर मैंने स्वयं ग्रामवासियों के साथ में आज वो रास्ता बहुत दुर्गम है, क्योंकि उस रास्ते में बीच में नाले नदी पड़ती है, उतार चढ़ाव है, चिकनी मिट्टी के रास्ते हैं, तो बारिश की वजह से वो और ज़्यादा दुर्गम हो गए हैं। और जितना भी शासकीय रास्ता जो जिस रास्ते पर मुझे बताते हुए ग्रामवासियों ने खुद ही बताया है कि यही रास्ते का वो सदियों से उपयोग करते आ रहे हैं, उसी रास्ते को मैंने स्वयं उनके साथ में जाकर के देखा है। शासकीय रास्ता कहीं भर भी रुका हुआ नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार का अवरोध किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूँगी कि वो रास्ता दुर्गम, वहाँ से किसी अर्थी वगैरह को लेकर के जाना वास्तव में बहुत कठिन रहता होगा। और उसके बाद शासकीय रास्ता समाप्त होने के बाद ये प्राइवेट जमीन जो आ जाती है, तो दो खेतों के बीच की मेड़ पर से होकर के शमशान तक रास्ता जाता है, तो वो रास्ता वो जो मेड़ है वो भी आज की तारीख में मौके पर खुली हुई है। मेरे द्वारा उन दोनों किसानों को भी ताकीद की गई कि यहाँ से अगर कोई निकलता है कि शमशान जाने के पर्पज से, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही होती हैं, आवागमन के लिए ही होती हैं, तो उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि वो किसी को रोकेंगे नहीं। परंतु ग्रामवासियों ने अपनी सुविधा के हिसाब से ग्राम की आबादी के पास से लगी हुई जो सरकारी भूमि है उसको शमशान घोषित करने की मांग की है, क्योंकि बारिश वगैरह में ये रास्ता और ज़्यादा दुर्गम हो जाता है। तो उनकी मांग के अनुरूप मेरे द्वारा उनको समझाइश दी गई है कि आप ऑनलाइन आवेदन भूमि की मांग के लिए करना पड़ेगा, और मैं आवेदन कलेक्टर साहब को फॉरवर्ड करेंगे, हमारे ऑफिस से फॉरवर्ड होगा, तो उसके बाद कलेक्टर महोदय द्वारा उसमें जो भी डिसीजन दिया जाता है तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवर्ड करूँगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी न्यूज में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद अब जल्द ही ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आलोट।